हिमाचल प्रदेश में आज चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए, 3.1 तीव्रता रही, लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। वहीं आज हिमाचल के लिए और मुश्किल भरा दिन रहा और आज हिमाचल में 72 कोरोना संक्रमित पाए गए। सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित सिरमौर ज़िले में पाए गए। जानते हैं पूरी खबर और कौन कौन से ज़िले हैं जहां पर कोरोना के मामले निकल के आए हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें आने वाली हिमाचल की अपडेट्स के लिए। हिमाचल प्रदेश में आज सोमवार को 72 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। यहां सिरमौर में 31 और सोलन में 15, कांगड़ा में 12, मंडी में 10, चंबा में 3 और हमीरपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। सिरमौर ज़िले की बात करें तो यहाँ गोविंदगढ़ मोहल्ले में और नए 31 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिन्होंने और चिंता सरकार की बढ़ाई है। जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉक्टर आर के पार्थी ने बताया कि 31 पॉजिटिव मामले में से 11 युवक पुरुष जिनकी उम्र 15 से 68 वर्ष है, 14 युवती महिलाएं उनकी उम्र 12 से 60 वर्ष और 6 बच्चे शामिल हैं जिनकी उम्र 2 से 8 वर्ष के बीच है। सिरमौर ज़िले में अब एक्टिव मामले 210 हो गए हैं। सोलन ज़िले में बीवीएन में शाम को 15 नए कोरोना मामले आए। सोलन ने ईओ सैनिटरी ऑफिसर सहित 6 कर्मचारी क्वारंटाइन हो गए हैं। ये सभी रविवार को परवाणु में बैठक के दौरान कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए थे। वहीं मंडी ज़िले की बात करें जहाँ 10 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। इनकी बस्सी गोहर से 3 मामले, कोंगू सुंदरनगर से 1, डगियाल थुनाग से 1, सरका घाट बक्सियाड़ और नीरचौक मेडिकल कॉलेज में 1 मामला आया है। नागरिक अस्पताल सरका घाट में कार्यरत महिला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। हिमाचल प्रदेश में चंबा में सोमवार को 3 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। भरमौर में 47 वर्षीय व्यक्ति, बाथड़ी के 37 वर्षीय बुजुर्ग महिला और 2 साल की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और 2 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में ज्वेलर का परिवार भी कोरोना पॉजिटिव निकला है और जिसके कारण 2 शोरूम भी सील हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में ये लग रहा है जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो एक संकेत ये मिल रहा है कि आने वाले दिनों में भी स्कूल कॉलेजेस खोलने पर सरकार को गहन चिंतन करना होगा। जिस तरह से मामले आ रहे हैं उस तरह से रिस्क सरकार नहीं ले पाएगी और आने वाले समय में सेंटर का क्या गाइडलाइन देती है वो देखना ज़रूरी होगा। हिमाचल की कोई भी अपडेट जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।